पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और यूवी की है छुट्टी, है ना। और यूवी मस्ती कर रहा है सुबह से, है ना। तो जी कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में बहुत खुशी से होंगे। और ये भी बोल रहा है हेलो, खाना खा के जाना, और वंचित तो स्कूल गया है, यूवी की छुट्टी है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, यूवी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, है ना, नहीं किया ना ब्रेकफास्ट। और अभी हमारे घर में हम कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। हमारे यहाँ बनेगी आज दोपहर में अरबी, है ना। ठीक है, ये देखो ये रही अरबी, ये बनेगी आज। और दही वाली अरबी बनाएंगे, ठीक है ना। और कल वाली चटनी तो सबको इतनी पसंद आई ना, मजे आ गए खा के यार, बहुत टेस्टी बन गई, चांस चांस में बहुत अच्छी बन गई। चलो, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल का सब्सक्राइब कर लेना मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। और कमेंट भी करना और लाइक भी करना वीडियो को। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी दही वाली। आओ मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी सब्जी तो बन गई है हमारी अरबी की दोपहर के लिए। आज ये क्या करा, ये क्या किया, ये ऐसे कैसे, अरे यार दिखाओ इधर, ये क्या करा है ये सारा, हाँ ऐसे करते हैं, ढंग से नहीं खा सकते, खेलते खेलते खाते हो। रुको एक मिनट, खाना तो मेरा बन गया है, मैंने दोपहर की सब्जी बना दी है, बाकी सब भी काम हो गया है, कपड़े वपड़े सब हो गए। आज मैं सोच रही हूँ यार, हमारे ना क्या है, जैसे आप लोग जानते हो कि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, अब रेंटेड हाउस में ना हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, तो हमारी ना दो अलमीरा हैं, अब वो अलमीरा ना ग्लास की हैं, तो सामने से आओ ना तो सामने रखे हुए सारे कपड़े सब कुछ नज़र आता है। और यार हर टाइम क्या होता है, अलमीरा ऑर्गेनाइज तो रहती नहीं है, कई बार वो अनऑर्गेनाइज भी होती है, तो वो देखते ही ना सामने पूरी अंदर से बाहर तक अलमीरा सब दिखती है। तो मैं सोच रही हूँ उसको ना, जो ग्लास है उसको कवर कर दूँ किसी चीज़ से। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ, देखो लाने को तो मैं बहुत सुंदर से पेंट कर सकती थी या कुछ, बट मैं खर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि नेचुरली यार देखो, अब आप लोग सब जानते हो मेरी हिस्ट्री यार, मैंने इतनी जगह पे घरों में सब कुछ किया है, अब मेरा ना पैसा ज़्यादा घर के ऊपर खर्च करने का मन नहीं करता, क्योंकि आज है कल नहीं है वो वाली बात है। तो मैं सोच रही थी कि ना कोई पेपर ला के, जैसे होती है ना रैपिंग पेपर सुंदर सी, वो ला के उससे कवर करूँ। बट अभी क्या हो गया, चांस की बात है, मेरे घर में ना अभी यूवी का बर्थडे हुआ था ना, तो 3 शीट पड़ी हैं नई। अब मैं सोच रही हूँ है तो वो प्लेन, बट अब पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उसको लगा दूँ। तो देखो DIY का मतलब ही क्या होता है, मेरे को मेरे हिसाब से DIY यही होता है कि आपका जो घर में चीज़ है उसको यूज़ करो, ना कि मैंने कहीं DIY देखती हूँ, बोलते तो वो DIY है, 400 की चीज़ मार्केट में मिलती है, 300 रुपए का सामान लेकर आते हैं, इतने महंगे महंगे, मुझे समझ नहीं आता वो काहे का DIY है। DIY होता है कि पैसे बचाओ, घर की चीज़ों से यूज़ करो, वो इतने महंगे महंगे चीज़ें ला के DIY करते हैं, उससे तो बंदा बाजार से जा के चीज़ खरीद ले, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आता। मैं देखती हूँ बहुत चैनल्स पे DIY घर की सजावट करेंगे, वो घर की सजावट करने के लिए 500-600 का, हजारों का सामान ले आते हैं, तो यार इससे अच्छा बाहर से जाके खरीद लो ना सामान नया का नया। तो अभी वो घर में शीट है तो उसी से ही करेंगे, आप भी मेरे साथ देखिएगा कैसे कर सकते हो। और अगर आपकी भी कोई ग्लास की अलमीरा वगैरह हो ना, कोशिश करो यार घर की चीज़ों से ही, देखो नेचुरली अब अगर मैं प्रिंटेड कोई लाऊंगी उसका इफेक्ट अलग आएगा, बट अगर घर की उससे कर देंगे तो भी वो अच्छी लगेगी, तो वो करते हैं आज, ठीक है। नमः ये।
टोस्ट कैसे आप सब मुंह क्या रख के करो ना अपने मुंह क्या के रख के करो बोलो हेलो दोस्तों कैसे हो हेल्स अरे सीधा पकड़ के रखो हेलो दोस्तों कैसे आप सब हो मम्मा ने वैदी भी है टीवी देख रही यस हम खाना खा रहे हैं अपने मुंह के आगे रख कैसे करते हैं मैं खेल रहा हूँ टॉय के साथ चलो आप सबको बताओ मैं आपको ऐसे शूट करूंगी अब बोलो हेलो दोस्तों कैसे आप सब हेलो दोस्तों कैसे आप सब वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करो सवारे खाना खा रहे हैं फोन भी टिक रहा मच्छर भी काट रहे हैं अभी बताते हैं तो दोस्तों अब मैं करने लगी हूँ अपनी अलमारी का मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ ये देखो ये अलमारी है अब इसमें आप अगर ऐसे आते हो कोई बाहर से आएगा उसको पूरा ऐसे दिखता है ये देखो है ना तो मैं चाह रही थी ये जो चीजें है ना ये जैसे ग्लास है इनको कवर कर दिया जाए अब कवर करने के लिए ये मैंने वैसे तो सोचा था कि सुंदर से कोई शीट्स लाके ना इससे कर दूंगी वो सबसे सस्ता वही एक मुझे ऑप्शन दिख रहा है पेंट भी करूंगी तो पेंट में भी खर्चा है क्योंकि बहुत ज्यादा पेंट लग जाएगा तो पेपर चिपकाना मुझे सबसे चीप ऑप्शन लग रहा था अब उसमें भी क्या हुआ कि मेरे घर में ना ये वाली शीट्स आ गई थी अब मैं इसी शीट से और ये ना यार दोस्तों यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना कैसे है वो शीट समझ नहीं आ रही थी कि लगाऊं किस तरीके से कि पूरा ग्लास कवर हो जाए और ठीक से लग भी जाए तो उस चक्कर में बल्कि ना मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई बाद में आप देखना आगे चल के मैंने ना सोचा कि एक शीट है उस चक्कर में उल्टी काट दी सारी शीट्स बट फिर भी हो गया था काम तो अब आप देखो कैसे कैसे मैंने और लिटरली ये लग रहा था ना बहुत सिंपल सा काम है बट क्योंकि मैंने शीट्स गलत काट दी थी ना तो लगाने में मेरी हालत बुरी हो गई अब आप देखो कैसे कैसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ये सब कवर किया था
ये आ गया हमारा देखो ये देखो ये हो गई ना कवर पूरी तो मेकओवर तो मैंने कर दिया यार देखो इस तरह से कर दिया है आई होप देखो अब पहले ना दिख रहा था एटलीस्ट अब दिख नहीं रहा है मैं वही चाहती थी कि दिखे ना आई नो उतना अच्छा नहीं हुआ है बट स्टिल अच्छा लग रहा है कम से कम सब चीज कवर हो गई है तो अगर आप लोगों की भी ऐसे कोई चीज कवर हो मैंने तो घर पे यूज किया है बिना खर्चे के पेपर आप अगर थोड़ा सा खर्चा करोगे बहुत सुंदर सा एक वॉलपेपर या वो लाते हो तो आपको ये बहुत ब्यूटीफुली कवर हो सकता है आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना कमेंट जरूर करना कि आप अपने घर में और कैसे पैसे बचा के डेकोरेट कर सकते हो मुझे आइडिया दे देना अगर कोई अच्छा सा आइडिया हो क्योंकि अभी एक और अलमारी है वो भी मुझे करनी है तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा बाय बाय जय गुरु जी बाय करो बाय जय गुरु जी बाय जय गुरु जी बाय जय गुरु जी